जय गोपिया ना बल्लवा जय गिरिवर धारी कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददारं स्त्रीणां दत्तैरिदं जाचि पुनः पुनः
श्री मातृपदाम्भोजुली स्वामी जन्म जन्मनि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोदर्शित श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोदर्शित श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी का चरित्र को और उनका शिक्षाओं को श्रवण कर रहे थे। कहते श्री रूप गोस्वामी ब्रज के अलग अलग जगह पर रह करके उन्होंने भजन किया। जब श्री रूप गोस्वामी टेरकद में रहते थे कभी सनातन गोस्वामी भी दोनों भैया एकत्रित नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन दिन में एक बार मिल करके आपस में हरि चर्चा करते थे। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास में आए, दोनों भैया बैठ करके एकदम कृष्ण कथा रस में दोनों ही डूब गए है? लेकिन डूब गए रूप गोस्वामी सोच रहे हैं बड़े भैया बड़े दिनों के बाद में आए तब इनको कुछ खिलानी चाहिए। उनको पता है सनातन गोस्वामी को खीर अच्छी लगती है। अभी घना घर जंगल कोई घर मकान कुछ है ही नहीं। अभी सोच रहे थोड़ा अगर खीर होता तो बड़े भैया को खिलाता। अभी इनकी भावना को श्री राधा रानी समझ गए हैं। राधा रानी समझ गए क्योंकि राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी माँ है ना। माँ क्या करती है बच्चों को लालन पान करती है माँ। अभी इनकी मन की भावना को समझते हुए इतने में श्री राधा रानी सुंदर दूध चावल काजू किशमिश चीनी ये सब लेकर के श्री राधा रानी छोटी सी बालिका बनकर के आ गई। बोले बाबा बाबा लो ये दूध चीनी और काजू किशमिश लो खीर बनाना और खा लेना। और रूप गोस्वामी बोले लाली कोई चिंता मत कर तुम जाओ हम बना कर रखिए प्रसाद पाल लेंगे। लेकिन दोनों भैया को जो हरि कथा कर रहे थे वो हरि कथा खत्म नहीं हो रहा था है? खत्म नहीं हो रहा था क्यों? कृष्ण कथा में जो रस है पीयूष से सहित पिबंती जन पगाड़ करने तानंद स्पृशंती शोक मह भय। मतलब कृष्ण कथा भी गंगा में जो गोता लगाए जो कथा को सुने उसको क्या नहीं करता है इसको शोक मोह भय उसको कुछ नहीं रहता क्योंकि कृष्ण कथा एक रस है, कृष्ण कथा एक अमृत है। इसलिए तब कथा मृतम भगवान की कथा नहीं वो अमृत है। उन कथा ही खत्म नहीं हो रहा है एकदम कथा में डूबे हुए हैं। फिर राधा रानी घूम फिर करके फिर श्रीमती राधा रानी आती है बोले बाबा बाबा तुम लोग कथा करो मैं खीर बना देती हूँ। तो राधा रानी सर्व लक्ष्मी मई कंटा धराए फटाफट उन्होंने खीर बना दी। बोले बाबा खीर खा लियो मैं बना कर रख दिया। बोले लाली कोई चिंता मत करो। बड़े देर में इनकी जब कथा विश्राम हुई तब रूप गोस्वामी ने देखा कोई एक छोटी सी बालिका है और बोली मैंने खीर बना करके जा रही हूँ सचमुच से देखा बड़ी सुंदर खीर बना हुआ। तो उन्होंने श्री भगवान को भोग लगाए। भोग लगा करके जब श्री सनातन गोस्वामी को दिए लेकिन खीर तो बहुत खाए हैं लेकिन ये खीर बनाया किसने? बोले स्वयं राधा रानी। भोग किसको लगा? भोग किसको लगा? बोले भगवान को भोग लगा। राधा रानी बनाए ठाकुर जी को भोग लगा हैं? भोग लगाया किसने? बोले रूप मंजरी रूप गोस्वामी ने भोग लगाया हैं? और समझो ये खीर क्योंकि इनको वरदान है राधा रानी को इनके हाथ में जो कुछ बनेगा ना वो अमृत बनेगा। और जब उन्होंने खीर खाई इनकी रोम रोम खिली उठे आंखों से आंसुओं की झरी ने बहने लग गया। जीवन में बहुत तो खीर खाई
लेकिन ऐसे स्वादिष्ट खीर हमने कभी खाई नहीं। इतने में सनातन गोस्वामी समझ गए कि घनाघोर जंगल में कौन आएगा खीर बनाने के लिए। तब तो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को पूछा, रूप तुमने मन में कुछ इच्छा की थी? बोले हाँ भैया, आप तो बड़े दिनों में आए हो, मैं सोच रहा था अगर थोड़ी सी खीर होता तो हम आपको खीर खिलाते। बोले रूप, ये घनाघोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझे, और यहाँ पर दूध है, चीनी, काजू, किशमिश कौन दे कर दी जाए? वो जो बालिका थी ना, और कोई नहीं थी, वो श्रीमती राधा रानी। खीर खा करके देखो ये खीर में कितने स्वाद है, इसमें कितने टेस्ट है, खा करके देखो। इसलिए जब सचमुच से श्री रूप गोस्वामी खीर खाए ना, उनका रोम रोम खिल उठे, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले कहा हमें श्री किशोर जी की, राधा जी की सेवा करनी चाहिए, आज स्वयं राधा रानी आकर के हमें खीर बना कर खिला कर दी है। इसलिए रूप गोस्वामी के लिए राधा रानी स्वयं खीर बना दी। बोले श्री एक समय जब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में थे, वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, और उसी समय में एक बहुत बड़े आचार्य और बहुत बड़े के विद्वान, बोले कौन है? बोले श्री वल्लभाचार्य। कहते श्री वल्लभाचार्य ने, इन्होंने आकर के रूप गोस्वामी को पूछे, तुम कौन सा ग्रंथ तुम पढ़ रहे हो, कौन सा ग्रंथ तुम लिख रहे हो? बोले भक्ति रसामृत सिंधु। बोले दिखाओ तो कैसे लिख रहे हो? जो उन्हें देखा है ना, उसका मंगलाचरण श्लोक में क्या लिखा हुआ, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया विशाची, किस किस को मंगा देना प्रभु। इसलिए बोले भुक्ति मुक्ति स्प्रिया विशाची जामच हृदय वर्तते हैं, कृष्ण कृष्ण भक्ति सुख से कथम अद्भुत दया भगत। उसमें ये श्लोक लिखे थे, बोले भुक्ति मुक्ति स्प्रिया विशाची, कहते भुक्ति और मुक्ति का मैंने किस किसको साथ में उदाहरण दिया है, कहते उनको उदाहरण दिया है पिशाच को साथ है। जब तक तुम्हारे हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाच हृदय में बैठा हुआ, तब तक हृदय में कभी कृष्ण भक्ति उदय हो नहीं सकता है। वल्लभाचार्य इसको देख करके बोले, क्या तुम उदाहरण दियो, तुम्हें पता है ज्ञानी लोग ये मुक्ति को पाने के लिए कितना कष्ट करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं मुक्ति को पाने के लिए, और कोई शब्द नहीं मिला, तुम भुक्ति मुक्ति को तुमने एक पिशाच एक भूत पिशाच को साथ में उदाहरण दे दिया। कहते अगर ये थोड़ी सी सुधर जाए ना अच्छा होगा। लेकिन पास में जीव गोस्वामी बैठी करके प्रभु गोस्वामी को हवा कर रहे थे। जब वल्लभाचार्य चले गए ना, अभी जीव गोस्वामी का साहब नहीं हुआ। बोले क्या भूल किसको होता है? कहते जगत में जो अनर्थग्रस्त जो जीव है, जिनको अंदर में भ्रम प्रमाद करना पाठव और विप्रलिप्सा, कहते जिसको अंदर में चार ही दोष हो, उनको जगत में कोई चीज को भूल हो सकती है। लेकिन रूप गोस्वामी राधा रानी की ये सहचरी रूप मंजर ये मुक्त महापुरुष है, इनकी ग्रंथ में कभी गलत हो ही नहीं सकता है, है? और इनकी गलत इनको गलत दिखाए वल्लभाचार्य जी। इतने में श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के पास में कुछ बहाना बना करके बोले, गुरु जी अभी अभी मैं आता हूँ। पास पहुंच गए जीव गोस्वामी किसको पास में, वल्लभाचार्य को पास में पहुंच गए। पहुंच करके श्री वल्लभाचार्य को बोले, आपने क्या देखा ग्रंथ में, आप बोले इसको करेक्शन करने के लिए? बोले मैंने देखा उसमें भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच को साथ में उदाहरण दिया है, इसलिए कहा मुक्ति इतने बड़ी चीज उसको पिशाच को साथ में उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैं सोचा सुधर जाए। तो उन्होंने बोले, देखो हमारे गुरु जी ने भुक्ति मुक्ति को उन्होंने पिशाच नहीं बुलाई, वो श्लोक में स्प्रिया, स्प्रिया मतलब होता है इच्छा है, इसलिए जिसके अंदर में ये इच्छा है, इच्छा को उन्होंने पिशाच बताए, भुक्ति मुक्ति को नहीं बताए। फिर उन्होंने विभिन्न शास्त्र से श्लोकों कोटेशन करके बताए, ये मुक्ति कैसे है, मुक्ति व्याघ्रा कील सर्वात्म गिलिनी। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते जो मुक्ति है ना, ये एक व्याघ्र के समान है, जैसे जो साजु जो मुक्ति जैसे व्याघ्र की कर क्या करता है, किसी व्यक्ति को निगल लेता है, खा लेता है, ठीक उसी तरह जो मुक्ति है ये जीव के आत्मा की सर्वनाश कर देता है। जैसा हम अव्यक्त चेतसा अव्यक्त गतिर दुख, जो मुक्ति है
हैं, जो लोग वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो क्या है, बल अव्यक्तम ही गतिर दुख, उनका जो परिणाम वो दुखदाय है। तो पतंति अध अनादर दुष्मद अंधय, कहते भगवान के चरण कमल को अनादर करने का नाते वो बड़े उच्च पद को पाने पर भी वहां से गिर जाते हैं। क्यों? उनने भगवान के चरण कमल को उन्हें अनादर किया। इसलिए ज्ञान प्रयास बुद्ध पास, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ज्ञान का प्रयास है संपूर्ण रूप में त्याग दो, नहीं तो तुम्हारे हृदय में भक्ति कभी आ ही नहीं सकती। उन्होंने इतने शास्त्रों से इतने श्लोकों को उन्होंने कोटेशन देकर उनको बताया ना, क्यों ये मुक्ति है, ये मुक्ति सर्वनाश का क्यों कारण है, भगवान कहते हैं मैं अपना भक्तों को मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त इसको लेना नहीं चाहते हैं, मुक्ति को घृणा करते हैं। उन्हें ऐसे ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, कहते बल्लभाचार्य मुंह पर ने चुप करवा दिया। बल्लभाचार्य बोलिए तो छोटा बड़ा तेज है, हाँ ये तो बड़ा तेज बच्चा है, पर उन्हें बाद में आई आखिर की तब उन्होंने फिर रूप गोस्वामी के पास में आए, माफी मांगे, बोले गुरु तुमने जो लिखा सही लिखा, बदलाने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं जब आया था तेरे पास में छोटा बच्चा तुम्हें पंखा झुला रहा था, वो कौन है, बोले ये मेरे शिष्य है, ये मेरे भातृ पुत्र और ये मेरे शिष्य, बोले ये बच्चा तो बड़ा दिमागदार तेज है। रूप गोस्वामी तो समझ जरूर कुछ गड़बड़ किया है, कुछ खुरा बात किया, इसलिए बोला मैं आता हूँ। फिर जब श्री जी गोस्वामी आए ना, रूप गोस्वामी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम वैष्णव का सम्मान देना नहीं जानते, क्या मेरे को पता नहीं था, मैं क्या खंडन नहीं कर सकता था, मैंने वैष्णव को मैंने सम्मान देने के लिए मैंने बताया, इसलिए क्या करनी चाहिए, वैष्णव को हर समय सम्मान देनी चाहिए। इसलिए त्रिनाथ भी सुनि चेना दर रवि सही सुनना अमानीनांग मान देना कीर्तनिया सदा। इसलिए भगवान की भक्ति करना तो आपका अंदर में ये चार गुण जरूर होनी चाहिए, क्या है, तीन सभी ज्यादा दीन ही वृक्ष सभी ज्यादा सहनशीलता, सबको यथा योग्य सम्मान दो, कभी अपना सम्मान की भूखे मत रहो। एक व्यक्ति तुमने सम्मान नहीं दे सका, जाओ तुम जाओ निकल जाओ। अभिजीव गोस्वामी बड़े दुखी होकर के गुरुदेव निकाल दिए, जाकर के भाई गाँव आए गए, है भाई गाँव मतलब है, कहते जिस समय नंद बाबा ने ठीक द्वादशी का दिन एकादशी व्रत करके द्वादशी का दिन जब सवेरे सवेरे उन्होंने यमुना में स्नान करने के लिए गए थे, जहाँ पर कहते कुबेर का है, जहाँ पर कुबेर का चर दूत उनको पकड़ कर वहां से कुबेर लोग ले गए थे, वो स्थान भैगा में है, वहीं पर जा करके जहाँ पर मगरमच्छी है यमुना किनारा में, जिस मगरमच्छी जहाँ पर अपना स्थान बना करके रहता था उसी को अंदर में और जीव गोस्वामी रहने लगे। खाते थे क्या, जब भूख लगे ना कभी राखों को पानी में घोल करके उसको पी लेते थे, उसको पी लेते थे, और तीन रात रोते थे, कभी भिक्षा में नहीं जाते थे, तीन रात रोते रहते थे। इसलिए जब से सनातन गोस्वामी को ब्रज में सबके सब बोलते थे बड़े बाबा है, ब्रज की सबसे बड़े बाबा, क्यों घर घर में जाते थे, इनको वैराग्य सब जानते थे, ब्रज में सबसे बड़े बाबा श्री सनातन गोस्वामी। जब सनातन गोस्वामी उसी गांव में आए ना, बोले बाबा आप क्या बाबा हो, हमारे गांव में और एक बहुत बड़े बाबा आए हैं, अब तो घर घर से आटा भिक्षा करके अब तो क्या करते, उसको भोला बना करके टिकिया बना कर खाते हो, लेकिन ऐसे के बाबा आए हैं वो तो राख को पानी में घोल कर पी लेते। सनातन गोस्वामी बोले ऐसे कौन सा बाबा जो राख को अब पानी में घोल कर पी लेते हैं, हजम कोई कर सकता है राख को, हाँ चाय को 500 घोल पी जा रहे हो, बोले ऐसे कौन सा बाबा है, बोले कहाँ वो बाबा है, बोले चलो हम दिखाते हैं। वो जा करके दिखा ना श्री जीव गोस्वामी, दिन रात गुरु जी की विरह में रोते रहते थे, हैं रोते रहते थे गुरु जी की विरह में, और वहीं पर बैठ कर सठ संदर्भ को लिखते थे, अब शरीर एकदम पतला दुबला पतला हो गया था, बोले क्यों, बोले रात को खोल कर पीते थे, हैं इतने में सनातन गोस्वामी जब देखे बड़े दुखी हुए, फिर उनको समझाए, समझा करके ले आए किसको पास, बोले रूप गोस्वामी को पास में। महाप्रभु ने बोला रूप ये बताओ चैतन्य महाप्रभु क्या सीखा है,
चैतन्य महाप्रभु जगत में क्या शिक्षा दे, बोले जीव दया कृष्णा वैष्णव सेवन, जीव को पर दया करनी चाहिए, जीवों को कृष्ण नाम देनी चाहिए जीवों को पर दया करके है, और वैष्णव का सेवा करनी चाहिए। बोले महाप्रभु का शिक्षा है जीवों को दया करने के लिए, क्या ये जीव जीव नहीं है? कहते ये जो जीव है ये क्या जीवो सब जीव नहीं, इसको पर क्या दया नहीं करनी चाहिए? इसलिए उनको समझा बुझा करके जीव गोस्वामी को फिर उन्होंने रूप गोस्वामी के चरण में अर्पण किया है, अर्पण किया है। फिर क्योंकि जब श्री रूप गोस्वामी जब ग्रंथ लिखते थे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखे, फिर सोच रहे थे परीक्षण कौन करेगा, क्योंकि जीव गोस्वामी बड़े ही विद्वान थे, संस्कृत में धुरंधर पंडित थे। अब ये सोच रहे थे ग्रंथ कौन परीक्षण करेगा, सोच रहे थे ग्रंथ तो बन गया करेक्शन कौन करेगा, सोच रहे थे वो जीव रहता तो करेक्शन कर देता। इसलिए कहते यहाँ पर शिक्षा क्या देते हैं, कहते यहाँ पर शिक्षा देते हैं जीव गोस्वामी जो काम किया है वो सही किया है। अगर कोई शिष्य कोई समर्थवान है, अगर शिष्यों के सामने अगर कोई आए और गुरु जी को कोई अपमान कर दिया, और हम गुरु जी को पास में रहकर देखते देखते रहते, कोई बाहर का कोई व्यक्ति आए गुरु जी को हमारे सामने अपमान कर दिया, नहीं अपमान को सहन नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, युक्ति तर्क के द्वारा उनको खंडन करनी चाहिए, सहन नहीं करनी चाहिए, अपराध है, हैं? ये अपराध है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने जो काम किया, बोले मैं रहते हुए और ये बल्लभाचार्य आकर के बोलेंगे है तुम्हारी ग्रंथ को कर्षण करूंगा, इसको इनका इतना हिम्मत है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जाकर उनका सिद्धांत को तत्व को उन्होंने खंड विखंडित किया है, हैं? फिर श्री ठीक किया है जीव गोस्वामी, लेकिन रूप गोस्वामी फिर उन्होंने ऐसे क्यों किया, उनको त्याग क्यों किया? इसलिए दुनिया को उन्होंने शिक्षा दिया हर वैष्णव को हमें सम्मान करनी चाहिए, कभी किसको अनादर हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवर सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान, हर जीव का अंदर में भगवान की निवास है, ठाकुर जी सभी जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, इसी भाव से सबको आदर देनी चाहिए। अगर कोई वैष्णव हो उनको तो विशेष आदर वैष्णव को देनी चाहिए, क्योंकि वो वल्लभाचार्य जी कहते ये श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने जो मायावाद उन्होंने खंडन किया, 108 सोने के कलश में इनको अभिषेक की गई वल्लभाचार्य बड़े, इसलिए इनका भागवत वो पर टीका है जिसका नाम सुबोधन टीका है, इसलिए ये भी बहुत बड़े वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु के घर में गए और इन्होंने महाप्रभु का चरण की उन्होंने सेवा की महाप्रभु का है, महाप्रभु को सम्मान देते तो उनको सेवा की, और इनकी इन्होंने परवर्ती समय में फिर हमारे संप्रदाय से पहले उनको वात्सल्य रस में उपासक थे, लेकिन महाप्रभु का भक्तों का संघर्ष से फिर इनका मन परिवर्तन होकर उन्होंने फिर श्रृंगार रस के गोपाल मंत्र को उन्होंने हमारे संप्रदाय गदाधर पंडित से उन्होंने ग्रहण किया बाद में उन्होंने। इसलिए हर समय वैष्णव को सम्मान देनी हमें चाहिए। ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी की अनंत कथा है, अनंत इनकी महिमा है, और आज हमारे दो बड़े बड़े पंडित है, आज थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे। आ जाओ वृंदावन दास ठाकुर ना ब्रज किशोर, कौन बोलेगा भाई, आ जाओ कोई भी एक आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ इधर आओ। हरे कृष्णा, जो लोग इसमें कुछ लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत लोग देख रहे हैं ना इनको, हाँ कल है श्री बलदेव पूर्णिमा है, इसलिए बलदेव पूर्णिमा में हम लोग हैं जैसे एकादशी का दिन जैसे हम व्रत रखते हैं, हम लोग दोपहर तक एकादशी जैसे व्रत रखेंगे, और दोपहर में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कीर्तन करेंगे है, यहाँ पर कीर्तन करते हुए और श्री बलदेव प्रभु को हम अभिषेक करेंगे, अभिषेक करते हुए उसको बाद में एकादशी में जैसे प्रसाद लेते हैं ऐसे हम अनुकल्प करेंगे, एकादशी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और कल इनकी कथा भी सवेरे दोपहर और शाम को तीन टाइम भी हम इनकी कथा सुनाएंगे, इनकी कथा सुनेंगे हमारे मंदिर में सब हम भी सुनाएंगे, हमारे बोधायन महाराज सुनाएंगे, और हमारे तपन महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, और श्री श्यामानंद महाराज जी ये सब कथा सुनाएंगे, और हमारे छोटे प्रभु भी है राधा रमन दास है, हस्तगण उधर बैठो।
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शरदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे मध्य गुरुदेव ओम विष्णु पाद अष्टोदृत शेषमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अद्वैत कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधन महाराज भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज उपस्थित समस्त वैष्णव बंधु सबके चरण में यथाजोग्य प्रणाम एवं श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अद्वैत कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग दो दिन से रूप गोस्वामी की जो तिरुभाव तिथि से लेकर हम आज तक भी वो जो रूप गोस्वामी तिथि के बारे में रूप गोस्वामी के बारे में श्रवण करते हैं और श्रवण करते हुए आ रहे और इसमें बताते हैं कि सब लोग ने बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम को देने के लिए आए थे जो उन्नत उज्जवल रहस्य है जो श्री है उनको जो प्रदान करने के लिए आए थे जगत जीव को वो जो दुर्लभ वस्तु है उनको रूप गोस्वामी के द्वारा हम सब जगत जीव को प्रदान किए। लेकिन इसमें आता है कि वो तो जगत जीव को प्राप्त हुआ लेकिन हम लोग को वो कैसे प्राप्त होगा। जैसे कि हम क्या है जो अनर्थग्रस्त साधक है हमको कैसे प्राप्त होगा। इसलिए वो जो चैतन्य महाप्रभु की जो उपदेश है वो के जो ग्रंथ लिखे जैसे श्री उपदेश समृद्ध ग्रंथ लिखे उसमें बताते कि वो भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उसमें बताते कि ये जो उपदेश है इसके अंदर जो उपदेश लिखे गए जो रूप गोस्वामी ने लिखे उनको कोई बिना पालन करते हुए वो जो राग मार्ग है जो भक्ति जो उन्नत उज्जवल रस प्राप्त करना चाहेगा वो कठिनाई है और इसके बताते हैं कि कठिनाई भी है और असंभव मध्य है उनको कोई बिना पालन करते हुए उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकते है। और ये जो उपदेश समुक्त ग्रंथ है ये उपदेश के वो अमृत है उपदेश स्वरूप अमृत है। और इसमें बताते हैं कि जो एक एक जो श्लोक है वो क्या है भक्ति मार्ग में जो प्रवेश करने के लिए राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए एक द्वार स्वरूप है। इसमें हम इसी से उपदेश समुद्र ग्रंथ के ऊपर में आलोचना करने के लिए प्रयास करेंगे। ये पहला श्लोक में बताते हैं कि वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय धीर सर्वमापिमान पृथ्वी शिष्य। कि इसमें बता रहे कि जो वाच वेग है वाणी का वेग है मन का वेग है और क्रोध का वेग है और उदर उपस्थ जो जिह्वा का वेग है और उदर उपस्थ वेग है ये जो छह वेग है जो भक्ति का जो प्रतिकूल जो वेग है उनको क्या करना चाहिए पहले हमको दमन करना चाहिए। और इसके जो द्वितीय द्वार स्वरूप बताते हैं कि जो भक्ति का जो दोष है छह दोष बताते हैं उनको भी क्या करना चाहिए साधक के लिए उनको दमन करना चाहिए। बताते हैं अत्याहार प्रयास प्रजल नियमाग्रह जन संघर्ष लौलन षडवीर भक्ति विनश्यते। कि अत्याहार जो इंद्रिय की जो विषय है उनको ग्रहण करने में उनको ज्यादा ग्रहण मतलब ग्रहण करना उनको बंद ये करना पड़ेगा रोकना पड़ेगा और अत्याहार प्रयास जो विषय की वस्तु है उनको उसके ऊपर जो प्रयास करते हैं उनको ये जो कृष्ण इतर वस्तु में हम प्रयास वो उनको छोड़ना पड़ेगा। अत्याहार प्रयास से प्रचल जो ग्राम्य वार्ता है कृष्ण इतर वस्तु है उनको हम चर्चा नहीं करेंगे हम चर्चा करेंगे तो कृष्ण का ही गुण कीर्तन करेंगे। नियमाग्रह जन संघर्ष लौलंच नियमाग्रह जो नियम है उनको जैसे हम जितना ही पालन कर सकते हैं उतना ही नियम बनाते हुए हम भजन राज्य में अग्रसर रहेंगे। और जनसंघ जो दुष्ट संघ है जो भक्त जिसका संघ से हमारी जो भक्ति नष्ट हो जाते जैसे दुष्संग है जो अभक्त है उनका संघ त्याग करना पड़ेगा। और लोभ लोभ को भी इसमें
त्याग करना पड़ेगा। इसके आगे बता दें कि जो तीन नंबर द्वार स्वरूप बताते हैं कि जो षड़ संकल्प है भक्ति की जो पुष्टि करने वाली वो जो षड़ संकल्प है उनको ग्रहण करना पड़ेगा। बताते उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनार्थ संग त्याग सतबुद्धि षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ये जो छह लक्षण उत्साह जो गुरु वैष्णव ने बताया कि जो शास्त्र में जो लिखा गया उसी में हमको वो जो भक्ति अंग पालन करने में हम क्या करना चाहिए वो उसमें दृढ़ उत्साह रखना चाहिए। और निश्चय क्या है उनका जो फल स्वरूप जो बताया गया कि हमको हरि नाम करने से वो मन शांत होगा ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे ये जो चीज जो जो लिखा गया उसके ऊपर हमको निश्चय होना चाहिए जरूर ही प्राप्त होगा। और धज्या और ये जो फल जो बताया गया उसी में प्राप्ति में थोड़ा लेट हो रहा है उसके लिए हम भजन भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए धैर्य रखे धैर्य को धारण करना चाहिए जैसे हमको ये जो लिखा गया कि गुरु वैष्णव ने जो बताया वो जरूर ही प्राप्त होगा। और जनसंघर्ष संग त्याग सतबुद्धि ना तत्त कर्म प्रवर्तन जो उसी उसी कर्म करना चाहिए जो श्रवण आदि बताते कि श्रवण आदि करना चाहिए जिसके द्वारा वो क्या होगा भक्ति पोषण होगा। और संग त्याग जो दुष्ट संग है उनको त्याग करना चाहिए। सत्यबुद्धि जो साधु साधु का जो वृत्ति सदाचार वृत्ति को ग्रहण करना चाहिए। और इसमें जो आगे बताते हैं कि चार नंबर की द्वार के स्वरूप क्या है भक्ति का जो भक्ति कैसे पोषण होगा जैसे भक्ति की संग से पोषण होगा इसीलिए भागवत में बताते हैं भक्ति तो भगवत भक्त संग ना परिचय थे कि जो भक्ति है भगवत संग से ही वो पुष्टि होता है इसीलिए वो क्या करना चाहिए भक्त का भी सेवा करना चाहिए। इसमें चार नंबर की चार नंबर द्वार में बताते हैं ददाति पति घुन्नाति गृह माख्याति पुछाति भूंगते भोजयते चैव षड्वीर पीति लक्षण। ये जो वैष्णव के साथ हमारे कैसे संबंध होगा ये बताते हैं कि ददाति जो वैष्णव का कुछ व्यवहार वस्तु उनको आवश्यक है उनको देना है और प्रतिघुन्नाति वो कुछ प्रसाद के रूप में कुछ देंगे उनको हम ग्रहण करना चाहिए। और गुह्यम आख्याति पूछती कुछ भजन विषय जो कुछ प्रश्न है उनको हम पूछेंगे और वो जो उत्तर देंगे उनको हम ग्रहण करते हुए हमारे जीवन में लगाना है। और आगे बताते भूंगते भोजयते चैव खुद भी भोजन खुद उनको भोजन कराना है और खुद भी भोजन करना है। ये जो छह चीज है इसमें क्या होता है हमारे वैष्णव के साथ संबंध होता है। और बताते हैं जो भक्त है वो त्रिविध जो अधिकार भेद से जो त्रिविध वैष्णव है तीन प्रकार की उनके सेवा कैसे करेंगे इसलिए बताते हैं कि कृष्ण दि जस्य गीतम मनसा दियत दीख्यास्ति चेत प्रणति विश्व भजन भजन तिश्व शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदादि शून्य हृदय स्पिदम संगलब्धा कि जो कृष्ण जो दो वर्ण है ये जो जिसका मुख से उच्चारित हो रहा है उसको क्या करना चाहिए मन में आदर करना चाहिए। और जो गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण गुरुपाद पद्मों का आश्रय करते हुए दीक्षा प्राप्त करते हुए जो भजन कर रहे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और शुश्रूषया भजन विज्ञ जो निंदा दि शून्य होकर भगवान कृष्ण की भजन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए उनको मन मन में प्रणाम आदर करना चाहिए और उनको प्रणाम भी करना चाहिए और उनका जो शुश्रूषया उनका जो सेवा करना चाहिए। इसमें बताते हैं कि ये जो सेवा करते करते कभी कभी हो जाता है कि हमारे जो जड़ इंद्रिय है उसके द्वारा हम वैष्णव जो अपरागत वैष्णव है उनको हम देखने चाहते हैं कि उनका जो दोष देखने लगते हैं। लेकिन ये इसमें बता दे कि हमारी स्वभाव कैसे है एक मणिमय मंदिर है पिपली का पश्यति छिद्रम जैसे एक मंदिर क्या है मणि में बना हुआ लेकिन हम जो पिपली का है मतलब जो चींटी है वो क्या करते हैं उसमें कहाँ छिद्र है उनको ही वो ढूंढता है। ऐसे ही हमारी जो स्वभाव है वो क्या है वैष्णव अपरागत होने पर भी हम उसमें क्या देखेंगे उनका दोष कहाँ पे रह जाता है बपुवस दोष कि मैं उनका स्वभाव जो स्वाभाविक दोष। इसमें बताते हैं कि दुष्ट स्वभाव जनित है बपु दूसरे से जो उनके जो स्वभाव है वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गंगा जल वो क्या है अप्राकृत वस्तु है लेकिन वो
उसमें जल की जल धर्म को ग्रहण करने के कारण उसमें जो फेन और कीचड़ ये सब दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जो गंगा जल जो अप्राकृत होता है उनका नष्ट नहीं होता है, जो ब्रह्मत्व है उनका नष्ट नहीं होता है। वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो वैष्णव है उनको दोष दिखाई देने पर भी वो जो उनका शरीर की दोष दिखाई देता है, कभी उनका शरीर खराब हो जाता है कि बुखार हो जाता है, ये सब जो होता है ये उनका ये, लेकिन इसका शरीर प्राकृत नहीं होता है, वो है क्या है अप्राकृत है। इसीलिए वो पहले से ही बता दिए कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ रूप गोस्वामी दे रहे उदाहरण दे रहे कि ये जो वैष्णव अपराध क्या है, जैसे एक मत वाला हाथी के समान है, वो क्या करता है जो भक्ति लता जो बीज है पेड़ है उनको जो लता है उनको मूल से ही उखाड़ देता है। इसीलिए वो बताए कि प्राकृत दृष्टि में कभी अप्राकृत वैष्णव का दर्शन नहीं होता है। और आगे बता रहे कि हम तो वैष्णव सेवा कर रहे, इसके बाद हम कैसे जो खुद का जो भजन है कृष्ण नाम आदि भजन कैसे करेंगे। इसमें बताते हैं जो स्याद कृष्ण नाम चरित आदि सीता पे विद्या पिता तप्त रसन रस्य न रुचि कानू, कि ये जो कृष्ण नाम है वो मधुर से भी मधुर है, लेकिन ये जो क्या है हमारी क्या होता है उसमें उत्साह नहीं होता है कृष्ण नाम करने के लिए, लेकिन जो भजन में उत्साह नहीं होता है। इसमें बता दे कि जैसे एक मिश्री है वो क्या है, मिश्री मधुर है, लेकिन जिसको पित्त रोग हुआ जंडिस रोग हुआ वो क्या करता है उनको मिश्री खाने से भी उनको कड़वा लगता है। वो ऐसे ही जो कृष्ण नाम मधुर होने पर भी वो जिसको अविद्याग्रस्त अविद्या द्वारा जो रोग द्वारा पीड़ित है वो क्या करेगा, उनको कृष्ण नाम करने से भी उनका वो जो मधुर उनको आस्वादन नहीं होगा। इसीलिए बताते हैं कि आदरात अनुदिनम खड़ू सहयोग दृष्ट, कि आदरात मन आदर पूर्वक उनको बार बार लेने से वो मिश्री को बार बार लेने से वो पितर जब दूर हो जाएगा वो मिश्री मीठा लगने लगेगा। ऐसे ही बताते कि जो कृष्ण नाम मधुर है हमारी रुचि नहीं होने पर भी उनको बार बार करते रहे और इसके फलस्वरूप वो क्या होगा, जब हमारी अविद्या जो विद्या जो अविद्या रूपक जो रोग है वो चला जाएगा उसी समय हमको क्या लगेगा, वो जो कृष्ण नाम है वो रुचिकर जो मधुर है उस वो हमको अनुभूति होगा। इसके आगे बताते हैं कि अष्टम द्वार स्वरूप हमारी जो भजन प्रणाली है और कहाँ पर हम भजन करना चाहिए, बताते हैं भजन प्रणाली एवं भजन के श्रेष्ठ स्थान कहाँ पे। बताते हैं कि जो भगवान की तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानो, कि ये जो भगवान की हमारे जो मन और वचन उनको हम क्रमशः क्या करना चाहिए, भगवान की जो नाम रूप गुण चरित आदि को क्या करना चाहिए अनुस्मरण करना चाहिए और सुकीर्तनानो उत्तम रूप से उनको कीर्तन करना चाहिए। और बताते हैं तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, ब्रजभूमि में वास करते हुए जो कृष्ण अनुरागी व्यक्ति है उनके पास रहते हुए हमको भजन करना है। और आगे जो बताते हैं कि जो भजन का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है, इसमें बताते वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रा भी रसोत्सव, ये जो वैकुंठ है वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है, इससे भी बताते मथुरा श्रेष्ठ है, क्यों वहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म ग्रहण किए इसलिए वो मथुरा वैकुंठ से भी मथुरा श्रेष्ठ है। इसके आगे बता दे कि जो मथुरा है उससे भी वो वृंदावन श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने रास रचाए इसलिए वो वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। इसके आगे बताते हैं कि जो मथुरा है वृंदावन से भी गिरिराज गोवर्धन बहुत श्रेष्ठ है, क्यों कि बताते हंतायम अद्रि अवला हरिदास वध्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमाद, कि जो रामकृष्ण बलराम एवं कृष्ण आदि जो उनके जो गिरिरा केली आदि ये गिरिराज गोवर्धन में किए और गिरिराज गोवर्धन उनके लिए वो जैसे सिंगर रस के लिए जैसे उनके लिए कुंज बनाते और उनके जो पानी और सुय कंदर ये सब उनको कुछ भोग लगा उनको मतलब कंदमूल आदि प्राप्त हो जाता है और जल है कभी प्यास लगा जल वगैरह उस सब प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वो बताए कि जो गिरिराज गोवर्धन है वो श्रेष्ठ है। इससे बताते हैं कि जो इससे भी और श्रेष्ठ है जो उनका जो गिरिराज की गोवर्धन में गिरिराज गोवर्धन की तट देश में जो उपस्थित जो
राधा कुंड है वो है सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि वहाँ पे सुंदर रस की जितने सारी मधुर मधुर लीला कृष्ण और राधा नंदी के साथ सब गोपियों के साथ उधर लीला किए थे, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। और आगे बताते श्री कृष्ण की जो सर्वाधिक प्रिय कौन है, इसमें बताते कि जो निष्काम कर्म जो भगवान के लिए जो कर्म करते हैं, वो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होगे, उनके फल को आसक्त नहीं होगे जो कर्म करता है, मतलब निष्काम कर्मी, वो है भगवान की प्रिय। इसके बाद बताते हैं कि जो निष्काम कर्मी से भी वो ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी है वो है भगवान के श्रेष्ठ। इसके आगे बताते हैं कि जो भक्ति से भक्ति को जो श्रेष्ठ मानने वाली जो चतुष्ण आदि वो है श्रेष्ठ, और जो प्रेमी भक्त नारद उसे श्रेष्ठ है। और आगे बताते हैं कि जो गोपियां हैं उससे जो प्रेमी भक्त जो नारद से भी गोपियां हैं श्रेष्ठ, क्योंकि इसमें भगवान खुद बताते न तथा में प्रियतम ब्रह्मा रुद्रस्य पार्थिव न च आत्मा च यथा गोपी जन कि जो ये जो क्या है ब्रह्मा रुद्र एवं रुद्र शिव जी और लक्ष्मी और मैं मतलब मेरा जो आत्मा वो इतना प्रिय नहीं है जैसे हमारे जो गोपीजन मतलब गोपी लोग श्रेष्ठ है। और उससे आगे भी बताते हैं कि राधा रानी जो जितने सारी गोपियां हैं उसमें राधा रानी श्रेष्ठ है। इसमें बताते हैं कि जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडलम प्रियम तथा कि जो कृष्ण कर प्रिय होने के कारण वो राधा रानी कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, और ये जो उनके जो कुंड है राधा कुंड वो भी उनके राधा रानी के अभिन्न स्वरूप होने के कारण वो भी अत्यंत प्रिय है। और आगे बताते हैं कि जो राधा रानी जो राधा कुंड की महिमा बताते हैं कि ये जो राधा कुंड में मुनि लोग वर्णना करते हैं जो एक बार भी स्नान करते हैं वो जो नारद आदि जो भक्त के लिए जो प्रेम प्राप्ति दुर्लभ है वो प्रेम एक बार भी जो कोई स्नान करता है उनको अनायास में प्राप्त हो जाता है। यह बताते हैं कि हम इतने सा जो बताए हमको क्या करना चाहिए, जो राधा कुंड को आश्रय करते हुए हमको भजन करना चाहिए। क्यों हम राधा कुंड को आश्रय करें, इसमें एक जागतिक जगत में दिखाई देता है किसी से हमको एक वस्तु प्राप्त करना है, हम क्या करेंगे उनके जो प्रिय लोग है वो प्रिय लोग के अनुगत्य में उनके पास जाएंगे तो उनको थोड़ा बहुत परिश्रम में वो मिल जाएगा, वो जो वस्तु है प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जो कृष्ण भक्ति है जो उन्नत उज्जल रस है वो उनको प्राप्त करने के लिए जैसे हम राधा रानी है भगवान की प्रिय है ऐसे ही वो जो उनके कुंड के अनुगत्य में हम उनके आश्रय में भजन करेंगे तो ये जो भक्ति वो अनायास ही हमको प्राप्त हो जाएगा। इतना ही बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंशगण मित्र वश कृपा सिंह दान पतितानाभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरु पाद पद्म विष्णु पाद अष्टतर सदा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी चरण कमल में
अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए पूज्यपाद बोधा श्री भक्तिवेदांत बोधायन महाराज एवं श्रील भक्तिवेदांत निष्कंचन महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए वैष्णव वैष्णव एवं उपस्थित मेरे गुरु भ्राता चरण कमल यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के आदर्श है कि जो रूप गोस्वामी के बारे में कुछ बोलने के लिए, एक आदर्श शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के मन को समझता है और इसी के अनुसार गुरु के आदर्श को पालन करते हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टों को जानता है, वो है वृंदावन के छह गोस्वामी के एक है जो रूप गोस्वामी है, जिनके बारे में हम तीन दिनों से श्रवण कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी के जन्म भूतान समझते कि दक्षिण भारत के कर्नाटक के कर्नाटक है सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लिए थे और इनके पूर्वज जदुर्वेदी शाखा के भारतवास पुत्र के थे। कुमार देव युवती देवी पूर्वज बंगाली के जैसर जिले में अपने परिवार के साथ स्थायी हुए थे। इनके पांच पुत्र और एक पुत्री थे। इनसे तीन पुत्र कृष्ण भक्त थे जिसके नाम अमर संतोष और पल्लव शुद्ध भक्त थे। बाद में महाप्रभु ने महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद संतोष रूप गोस्वामी के नाम पर परिणत हो गए, फिर अमर के नाम सनातन गोस्वामी हुए और पल्लव के नाम अनुपम नाम दिया गया। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के इस बंगला के मुसलमान राजा नवाब हुसैन के मंत्री थे। दिन भर रात तक देखभाल करते थे, रात को भजन करते थे और शास्त्र भी पढ़ते थे। एक दिन राजा का कुछ हिसाब किताब बाकी था, वो हिसाब करते करते काफी रात हो गया था। इधर भजन भी करना है, अपने जो एक सेवक था उसको बोले एक शरबत दो गिलास शरबत लेके आ। सेवक किचन में गया शरबत बनाने, कुछ कारण से लाइट से नहीं था तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया ना पूरे के जगह में वो मैदा ढाल दी और घोल के लेकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दे दी। इन्होंने पी लिया। बाद में लाइट आया तो देखा सेवक ने मैदा डाला की ढाकन खोला है, तो सेवक ने ऐसा सोचा कि मैं बुरे के जगह में मैदा ढाल दी। आकर रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी से माफ मांगे, बोले प्रभु हमें माफ कर दो, बुरे के जगह पे मैं मैदा ढाल के आपको दे दी। तो रूप गोस्वामी ने सोचे कि हम इतने राजकार्य में व्यस्त हो गए थे कि बुरे के जगह पे मैदा के शरबत पी लिए फिर भी हमको पता नहीं चला। तो रूप गोस्वामी ने सोचे कि जिसे दौलत के लिए हमें इतना परिश्रम करते कि इतना समय देते हैं, इतना समय तो हम भगवान के मतलब भगवान के चरण में देंगे तो भगवान को पा सकते हैं, लेकिन ये शरीर जो धन धन दौलत के लिए हमें इतना समय देते, धन दौलत तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उम्र जितना तक जहाँ तक है कि 100 साल तो हमारा उम्र मनुष्य की उम्र है कलि युग में, तो 100 साल तक इस धन को हमें उपभोग करेंगे, इसके बाद तो हम भोग नहीं कर पाएंगे, इसके बाद जो भिखारी को वही भिखारी हो जाएंगे, फिर ज़रूरत क्या है इसी धन दौलत के लिए समय बिताने के लिए। तो फिर क्या कहने लगे, इन्होंने महाप्रभु के पास गए प्रयागराज में जाकर मिले, फिर उनसे 10 दिन रहकर इनके पास
शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण करके फिर वृंदावन महाप्रभु के आदेश से वृंदावन गए। महाप्रभु ने इनको बोले कि वृंदावन जाकर लीला स्थलियों को जीर्णोद्धार से उद्धार करना, फिर विग्रह के प्रकट करना और ग्रंथ के प्रचार करना और शुद्ध भक्ति के प्रचार करना। तो इन्होंने वृंदावन गए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद भी रूप सनातन गोस्वामी भी वृंदावन आ गए। फिर दोनों भाई वृंदावन में मिलन हुआ, फिर वृंदावन में रहते थे, बड़ा पुराण को पढ़ते थे, कागज पर लेके लिखते थे इतने किलोमीटर के बाद इतना लीला स्थली है, इतने कोस के बाद इतनी लीला स्थली है, ये सब बड़ा पुराण पढ़ते थे और निकलते थे कहाँ कहाँ लीला स्थलिया था। तो लीला स्थली में इतना व्यस्त हो जाते थे कि इनको समय नहीं होता था मधुकरी मांगने के लिए, क्योंकि वृंदावन में कोई रहता नहीं था, सब लोग रहते थे ब्रजवासी ब्राह्मण लोग रहते थे सब मथुरा में। तो सनातन गोस्वामी 7 दिन या 10 दिन के बाद मथुरा जाते थे, मधुकरी लेके आते थे, जो 20-25 रोटी मिलता था वो ला के क्या करते थे ना, जमुना के तट पे उसको गोद कर रखते थे, फिर प्रत्येक दिन एक 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 रोटी निकल के उसको खाते थे। तो इनको जीवन निर्वाह करना था, वो जीने के लिए खाते थे, लेकिन संसार वाले क्या करते हैं ना, कोई कोई लोग दुनिया में लोग क्या करते हैं ना, खाने के लिए जीते हैं क्या ना, काली क्या खाएंगे आज लिस्ट बना देंगे, काली ये चीज जाएगा, मछली मटन ऐसे लोग खाते तो कल मछली में मटन आएगा, ऐसे लिस्ट बना देते हैं। लेकिन साधु लोग क्या करते हैं, लोग जीने के लिए खाते हैं कि अपने शरीर निभा करे और भगवान के भजन करे, भगवान को पाना जरूरी है ना, क्यों भगवान को पाए ना, ये जीवन मनुष्य क्या चाहता है ना, आनंद चाहता है, मनुष्य को आनंद जरूरत है। अगर कोई आपको अपमान कर दिया तो आपको दुख होता है, कोई अगर घृणा कर दिया तो आपको गुस्सा आता है, कोई अगर थप्पड़ कुछ बोल दिया तो गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है ना, ये जीव आनंद स्वरूप है, वो आनंद धाम से आया है, इसके लिए उसको दुख लगता है, कोई अपमान करे तो दुख लगता है। तो क्या करना चाहिए ना, हमको आनंद धाम से हम आए हैं, आनंद हम चाहते हैं तो हमको आनंद धाम में ही जाना पड़ेगा। तो आनंद धाम से ऐसे की उदाहरण स्वरूप कि आप अगर मामा के घर में गए हैं तो मामा के घर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन रुकोगे, 1 दिन, 4 दिन, 1 महीना दिन, तो 1 साल रुकोगे, इसके बाद तो अपने माँ बाप के घर में तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें भगवान के अंश है कि भगवान खुद कहते हैं कि मामे मान से जीव लोग को जीवभूत सनातन मन सष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके, कि भगवान कहते हैं कि मामे मान से जीव लोग को जीव मरे अंश है, वो प्रकृति के कारण मुझे भूल गया है, माया के कारण भूल गया है, कि संसार में फंस गया है। तो हमको आनंद धाम पे तो एक दिन ना एक दिन लौटना पड़ेगा, जब तक हम आनंद धाम में नहीं जाएंगे गुरु के पदाश्रय करना पड़ेगा, गुरु के जैसे कि गुरु शुश्रूषा भक्ति सर्वलोकर पढ़े नहीं संगे न साधु भक्ति न ईश्वर आराधना नहीं, गुरु के पास हम भक्ति पूर्वक जब तक हमें काय मन वाक्य को अर्पण नहीं करेंगे तब तक हमें इस संसार चक्र में जन्म मरणम पुनर्भी मरणम हमें संसार के अंदर ही पड़े रहेंगे, जन्म मरण चक्र में फंसते रहेंगे। इसलिए हमें गुरु के पदाश्रय करके हमको आनंद धाम में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें पूर्ण आनंद, जहाँ पे हमको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से सोचकर वो वृंदावन में आए लीला स्थलियों को प्रकट करते थे। फिर वो वृंदावन में कुछ गुरु से उनको प्रकट किए, फिर प्रकट करने के बाद फिर वो रूप गोस्वामी क्या किए ना, अभी गुरु जी बोल रहे थे
एक कदम पे जाकर भजन कर रहे थे, रूप गोस्वामी के एक कदम पे भजन कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी बहुत दिनों के बाद रूप गोस्वामी के पास मिलने के लिए आने की सूचना मिली रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी ने सोचे कि बड़े भाई आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ खीर पीर बना के थोड़ा खिलाओ। तो ऐसे सोचने लगे तो खीर बनाने के लिए तो दूध की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, तो क्या करें। तो ऐसे सोचते ही तो 12 साल की लड़की आई, आई कि बोली बाबा, ओ बाबा ना कौन है लाली तू ना, मेरी आमा भेजिए दूध तुम्हारे लिए। तू कौन है, तेरी मामा कौन है, तेरी आमा मुझे, तेरी आमा को कैसे पता चला कि मुझे दूध चाहिए ना भाई। हमारे राज्य में आप होकर भाई अपने अपने मामा को अपने आमा को मालूम नहीं पड़ेगा तो किसको मालूम पड़ेगा, लो दूध लो। से बोल के तो दूध दिए, फिर बोले कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ ना। लाली क्या मदद कर दें ना, मैं खीर बना देता हूँ। तो इन्होंने इनके लिए खीर बना दी, खीर बना दिए। तो खीर के खुशबू इतना खुशबू तो स्वरूप गोस्वामी चकित होंगे कि इतना खुशबू कभी मैं देखा ही नहीं, इतना खुशबू खीर का। तो उन्होंने समझ नहीं पाए, फिर सनातन गोस्वामी वो डाले चले गए। फिर सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आकर इनको दोनों भाई मिले, बातचीत किए, फिर प्रसाद पाने के लिए बैठे। तो खीर दिए, खीर दिए तो खुशबू इतना खुशबू आया कि सनातन गोस्वामी चकित हो गए, बोले कि रूप भाई तुम इतना अच्छा बनाते हो। अरे भाई मैंने बनाया, कौन बनाया, एक 12 साल लड़की आई थी लाली तो उसने बनाया। 12 साल लाली कौन है ना पता नहीं, बोले कि उधर बाप का नाम बोले कि भूषभान भूषभान, बाकी नाम बोला कीर्तिदा। तो भाई तो उन्होंने समझ गए कि मैं तो इतना बोलता हूँ, कोई भूषभान कोई कीर्तिदा तो है ही नहीं है इसे गांव में, तो कौन है। फिर सनातन गोस्वामी थोड़ा रुक के फिर से समझ गए कि हमारे आराध्य देवी श्री जी को तुम पहचान नहीं पाया, हमारे श्री जी आराध्य देवी आई थी, राधा राधिका ही आई थी, कितना अदम हो तुम, आपने आराध्य देवी को पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने दोनों भाई फिर रोने लगे, फिर हंसी मजाक करके फिर सनातन गोस्वामी इन्होंने इस टाइम पे ग्रंथ लिख रहे थे, अरे पूज्य काल बता रहे थे कि राधिका केस को इन्होंने नागिनी के सदृश नागिनी के उपाख्यान किए थे, वो ग्रंथ से ग्रंथ ना पुष्पांजलि ग्रंथ लिख रहे थे इस टाइम पे। तो सनातन गोस्वामी पढ़े, फिर देखे कि राधिका के राधा रानी के केस को नागिन के उपाख्यान किए। सनातन गोस्वामी बोले कि अपना श्री जी के तुम केस को नागिन के बराबर उपाख्यान किया, ये ठीक नहीं हुआ, तो दूसरा कुछ उपाख्यान करो। तो रूप गोस्वामी बोले ठीक है मैं बाद में कर दूंगा। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जा रहे थे वृंदावन, तो वृंदावन रास्ता में 8 लड़कियां और बीच में राधे राधारान ने बैठ के झूला झूले रहे थे। पीछे से राधे राधा रानी के केस ऐसा था कि पीछे से देखे तो सही में कि काला नाग की तरह वो चोटी दिखा दिख रहा था। तो सनातन गोस्वामी देख कर सोचे कि वो सही में एक नागिन एक लाली के ऊपर वो खेल रही है। तो सनातन गोस्वामी दूर से ही देख के भागे, लाली 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 तेरे पीछे सांप है, तेरे पीछे सांप है, तेरे पीछे सांप है, वो भागते वक्त बच के रहना बच के रहना। जैसे पास में आया देखा तो लाली का केस है, तो अरे अरे तो केस है। फिर उन्होंने सोचने लगा कि मैं रुक के फिर देखे कि कोई नहीं है उधर, तो समझ गए कि राधा रानी मुझे शिक्षा देने के लिए ऐसे दृश्य दिखाई। फिर उन्होंने लौट के आए रूप गोस्वामी को, बोले कि तुमने ठीक लिखा है ऐसे ही लिखना। फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन आए,
वृंदावन आकर इन्होंने क्या करते थे ना, वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा करते थे, परिक्रमा करने जाते थे गोवर्धन से, वृंदावन से चलते 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 वृंदावन में आए, गोवर्धन में आएंगे, गोवर्धन पूरा परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करके फिर मथुरा जाएंगे, मथुरा में फिर मधुकरी लेके आएंगे, फिर वृंदावन आएंगे, ऐसे करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत वृद्ध हो गए थे, 90 साल के हो गए थे, तो एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे, एक दिन गिरिराज के पास गिर पड़े तो गिरिराज कृष्ण 12 साल के बालक बनकर आए, बोले बाबा आपने क्यों इतना बूढ़े वृद्ध हो गए हो, चल नहीं पा रहे हो, थक जाते हो, क्यों परिक्रमा करते हो, अभी आप मत करो। तो इन्होंने बोले कि तुम इधर से 4 शिला ले लो, शिला लेकर 4 परिक्रमा लगा देना तो गिरिराज का परिक्रमा हो जाएगा, ऐसे बोल के तुरंत उभान हो गए। तो साथ है? सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की जय, रूप गोस्वामी की जय, बलदेव प्रभु की जय, हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जय निताई गौरांग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
गौर प्रेमानंदे हरि जय श्री श्री गुरु आनंद गाविधर गोविंद रघुनाथ मदन मणि विजय कदलीला कृष्ण विष्णु श्रद्धानंद गोस्वामी महाराज विजय कदलीला कृष्ण रघुदास नारायण गोस्वामी महाराज विजय कदलीला कृष्ण रघुदास राम गोस्वामी महाराज विजय कदलीला कृष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज विजय भक्ति सिद्धांत हरदत्त गोस्वामी मनोहर विजय सपरिकार गौर हरि विजय अनंत लुट गौर भक्त वृंद जय समारत गौर भक्त वृंद जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।